इंस्टा में क्या करते रहता, किसको जैद करते रहता, पता नहीं मेरे को आइडिया नहीं है किसको जैद करते रहे आजकल। तो गाइस शाम के सारे 3 बज चुके हैं एंड हम और टाइगर श्रॉफ अभी इवनिंग वॉक के लिए जाने वाला है। हम अभी अभी उसको कॉल किया, एक्चुअली वो सो रहा था तो हम बोला जो जाएगा इवनिंग वॉक, फिलहाल उसका वेट कर रहे हैं। हम लोग एक ही साथ निकलेगा, वैसे भी करंट नहीं है यहाँ में, तो घर में रह के भी कुछ नहीं कर सकता बिना करंट का। बाप रे सुबह से बहुत गर्मी है, एक्चुअली सुबह बहुत बारिश था, उसके बाद फिर जो धूप आया था वहाँ पर बहुत गर्मी था, बहुत धूप था और बहुत गर्मी था। हमें जो है हम लोग का पावर सप्लाई जो रहता फ्रिक्वेंटली जाते रहता, तो अगर 5 मिनट के लिए भी करंट नहीं रहता घर पर तो बहुत मुश्किल हो जाता है रूम में रह के। एसी रखने से भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि करंट आते जाते रहता, तो उसका सप्लाई कैसा करेगा फिर, मतलब पावर कैसा देगा। तो अभी हम टाइगर श्रॉफ के घर के ऊपर में, तो कुछ इस तरह का नज़ारा है उसका घर के ऊपर से, सामने जो एयरपोर्ट का रनवे है। टाइगर श्रॉफ से अभी भी सो रहा था और अभी वॉकिंग जाने से पहले ये बोलते हैं कि कुछ खा के जाएगा, उल्टा काम करता है भाई। वॉकिंग के बाद हम लोग खाए, खाया नहीं क्या सुबह से, कुछ खाया नहीं क्या करते। इंस्टाग्राम में इतना एक्टिव रहता है कि खाने पीने का बाबर है इसका दिमाग में रहता ही नहीं। इंस्टा में क्या करते रहता, किसको जैद करते रहता, पता नहीं मेरे को आइडिया नहीं है किसको जैद करते रहे आजकल। हाँ फैन लोग, फैन लोग तुम क्या सेलिब्रिटी है, सलमान खान है फैन जो है, क्या करते इसका। खाने के बाद हम लोग जाएगा मतलब वॉक के लिए, टाइम तो हो चुका है लेकिन फिर भी इसके लिए वेट करेगा क्योंकि अकेला जाएगा तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसी का वेट करके फिर उसके बाद जाएगा वॉक के लिए। तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो ये रहा टाइगर श्रॉफ, इतना मुश्किल से पकड़ के लाए इसको, ये जाने नहीं मांगता था। तो गाइस ये रहा कार्बिन जाने का रास्ता, ऑलरेडी हम लोग का जो वॉकिंग है स्टार्ट हो चुका है घर से, तो हम लोग कार्बिन पहुँचने वाला है। जैसे ही कार्बिन पहुँचेगा थोड़ी देर रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर और ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर जाते जाते उसके बाद फिर रिटर्न आ जाएगा, फिर कार्बिन में थोड़ी देर रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर घर की ओर वापस जाएगा। ये रोड जो है बहुत ही खूबसूरत है और कार्बिन जाने का रास्ता बहुत ही क्लीन है, और कुछ साल पहले एकदम बेकार सा रोड था। 5 minutes later फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कार्बिन बीच। ये रहा कार्बिन बीच, हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ रेस्ट करेगा, उसके बाद हो सकता हम लोग का फिर से जर्नी जो है स्टार्ट हो जाएगा वो तरफ जाने के लिए। अभी तो फिलहाल हम लोग ये जगह ये तरफ है, हम लोग वो साइड वॉक करने वाला अगर जाएगा तो, ठीक है। पहले जेवन स्पंगर का वहाँ जाएगा, उसके बाद फिर जाएगा। लास्ट टाइम भी जो है हम लोग यहाँ आया था विजिट करने, ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ इन्जॉय किया, तो उसके बाद फिर चले गया। हो सकता है आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा हम लोग यहाँ शूटिंग करने के लिए आया था, है कि नहीं। तो अभी कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक लोग कोई नहीं है यहाँ, मतलब अभी कोई नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर हवा खाएगा, वैसे भी घर में बहुत ही गर्मी है, आज रात को फिर से करंट जाना ही है, तो 7 बजे से पहले तो घर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो टाइम बहुत है और अभी टाइम हो चुका है 5 बजने वाला है, शाम के 5 बजने वाला है। यहाँ का व्यू जो है कुछ इस तरह दिखता है ऊपर से, ऐसा लगता है सेलुलर जेल में हम लोग, यहाँ में कचरा वचरा है। वाह लो टाइड है गाइस, पानी जो है बहुत कम है, ठीक है, और वहाँ वाटर एक्टिविटीज़ हो रहा है वहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, और उतना टूरिस्ट भी नहीं है ये टाइम में क्योंकि ये ऑफ सीज़न है। इससे लेकर यहाँ तक का जो सफ़र था बहुत ही मेहनत लगा वॉक करके, क्योंकि हम लोग का पहला वॉकिंग है ये, तो बहुत ही मेहनत लगा यहाँ तक वॉक करके। दो तरफ जाने वाले हैं, यहाँ का टाइम पास हो चुका है हम लोग के लिए, तो अभी हम लोग वहाँ जाएगा, ठीक है। सो कार्बिन बीच का साइट सीन हो गया, अभी हम लोग वो तरफ जाने वाले हैं, ठीक है, तो वॉक करके जाएगा। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, ये भी कार्बिन बीच का ही बगल में है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा वाटर एक्टिविटीज, और हम लोग यहाँ बैठा हुआ है, ये टाइगर श्रॉफ, और इससे आगे तो हम लोग नहीं जाएगा, बहुत थक गया। और टाइगर इससे आगे जाएगा,
और नहीं जा सकता ना, थोड़ी देर वापस चले जाएगा 5:30 बजे को यहाँ से निकलेगा। फिर उसके बाद फिर कार्बिन बीच में थोड़ी देर और रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर कार के लिए निकलेगा। A few hours later. अभी हम लोग वापस जाने वाले हैं कार के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 6 बज चुका है और कार्बिन बीच जो है पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है। मतलब यहाँ सब लोग जा चुका है, जितना भी जन यहाँ घूमने के लिए आया था सब जा चुका है। A few moments later. फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं और नहा भी लिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा इवनिंग वॉक करके, लेकिन अभी जो है बॉडी ना थोड़ा टाइट महसूस हो रहा है, तो अभी थोड़ा रेस्ट करेगा और बाद में जो है वीडियो एडिट करके कल सुबह हम अपलोड करने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर ये वीडियो देख के अगर आप लोग अच्छा लगे तो लाइक करना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।